नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मूवी टेक सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं वीवो Z1 प्रो का हम पैटर्न कैसे अनलॉक करेंगे और FRP भी बाईपास करेंगे बिना किसी PC की मदद से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दो, इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हमें फ़ोन को ADL मोड में कनेक्ट करना पड़ता है और इस फ़ोन को हम मिराकल बॉक्स की मदद से अनलॉक करेंगे। और ADL मोड में डालने के लिए फ़ोन को दोस्तों हमें खोलना पड़ता है बैक साइड से और टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके हमें फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, इस वीडियो में आपको FRP बाईपास करने का भी ट्रिक बताने वाला हूँ बिना PC के। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, 30 सेकंड में आप FRP बाईपास करते हो इस फ़ोन का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है ADL मोड में हमें एक फ़ोन क्यों कनेक्ट करना पड़ता है, मैं बता दूँ दोस्तों। ADL मोड में हमें फ़ोन कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी किसी फ़ोन्स में हम वॉल्यूम अप डाउन का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन जिस फ़ोन में अगर उस मेथड से काम नहीं करता तो हमें टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ADL मोड मतलब दोस्तों क्वालकॉम मोड। क्वालकॉम मोड में हम फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वालकॉम मोड मतलब जिसमें हम फ्लैशिंग और अनलॉकिंग कर सकते हैं किसी टूल से या फिर फ्लैश टूल से या फिर किसी बॉक्स से। ठीक है, तो हमारे जब पास जो मॉडल है दोस्तों वीवो Z1 प्रो है। ठीक है, मैं आपको मैं इसका टेस्ट पॉइंट दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको फ़ोन के बैक को खोल लेना है। ऊपर जो मदरबोर्ड की प्लेट है उसे अनस्क्रू करके दोस्तों हमें उसे भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे ही जो हमारा जो टेस्ट पॉइंट है हमें मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको जैसे मैं टेस्ट पॉइंट दिखा दे रहा हूँ जहाँ पर ये हमने स्ट्रिप निकली हुई है, और वहाँ पर देखिए आप टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉइंट दिख रहा है आपको और एक पॉइंट शील्ड है, मतलब ऊपर उसके ऊपर टेप लगी हुई है। वो टेप को आपको निकाल देना है, तो हल्का सा साइड करके आप टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट पॉइंट का इमेज आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं टेस्ट पॉइंट का इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करते समय दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स, कि आप कहीं और ना शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अनलॉकिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं अपने मिराकल बॉक्स की तरफ, और हमें सिलेक्ट कर लेना है, क्वालकॉम टैब में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वालकॉम टैब में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं डिवाइस मैनेजर ऑन कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए कि जब हमारा फ़ोन है वो क्वालकॉम मोड में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप भी कर ले ऑन, तो इसे क्या हमें पता चलता है हमारा जो फ़ोन है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा डिवाइस मैनेजर दोस्तों ऑन हो चुका है, और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम क्वालकॉम मिराकल बॉक्स में, मतलब जो मिराकल थंडर टूल है उसमें हम क्वालकॉम टैब में जाके यूनिवर्सल से वीवो में सिलेक्ट करेंगे, और फिर नीचे जाएंगे और जेड, जैसे आप देख रहे हैं Z5X लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, Z5X हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों हमें जाना है फॉर्मेट टैब में, फ्लैशिंग है, रीड है, फॉर्मेट है, तो दोस्तों हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे और बाकी हमें और किसी टैब में नहीं जाना है। तो हम जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा के बगल में फॉर्मेट टैब है और रीड है, फॉर्मेट है, उस टैब में जाना है हमें। और दोस्तों फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सेव फॉर्मेट का ऑप्शन है, सेव मोड, तो हम उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है सेव फॉर्मेट में, सेव मोड में। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट सेव मोड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों हमारा जो फ़ोन है उसे क्वालकॉम मोड में कनेक्ट करना है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया ही था कि हमें फ़ोन को क्वालकॉम मोड में कनेक्ट करने के लिए टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ता है, तो आपको टेस्ट पॉइंट मैंने दिखा दिया है, आपने देखा ही होगा। तो एक बार दोस्तों आप चेक कर ले गूगल पे टेस्ट पॉइंट, आप गलत जगह ना शॉर्ट करें। बाकी मैंने आपको टेस्ट पॉइंट तो दिखाई दिया है इस मॉडल का, और अदर मॉडल्स के भी आप इसी तरह से अनलॉक कर सकते हैं और टेस्ट पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमने टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट किया और हमारे जो फ़ोन को है उसे हमें कनेक्ट कर दिया PC से। ठीक है दोस्त, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करने के बाद हम फ़ोन को कनेक्ट कर देंगे और हमारा जो फ़ोन है दोस्तों कनेक्ट हो चुका क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008 में, और हम वहाँ पे दोस्तों पोर्ट पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जस्ट फ्रेंड्स, आपको इतना ही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना, किसी और ऑप्शन में नहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो फ़ोन है वो रिबूट हो जाएगा अपने आप फॉर्मेट होने के बाद। ठीक है दोस्तों, डन होने के बाद अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा, हमारा जो फ़ोन है वो रिबूट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हम दोस्तों वेट करेंगे फ़ोन को चालू होने का। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, लेकिन वीडियो को दोस्तों आप स्किप मत करना, आप आगे देखिए आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे एक बार फिर से हम फैक्ट्री रीसेट पे, रीसेट फ़ोन पे क्लिक कर देंगे, ऐसा एरर आपको आएगा और आप उस पर क्लिक कर देंगे, अब हमारा जो फ़ोन है वो रिबूट होगा और फैक्ट्री रीसेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों यहाँ तो हमने फॉर्मेट की बात देख ली, हमारा जो फ़ोन है जो पैटर्न पिन जो आपके फ़ोन में कुछ भी था, लॉक पिन, लॉक फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, कुछ भी रहे दोस्तों वो फॉर्मेट हो चुका है पूरी तरह से। बट फ्रेंड्स,
फॉर्मेट होने के बाद दोस्तों, जैसे आप सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि दोस्तों, अगर आप फ़ोन को फॉर्मेट करते हो फोर्सफुली, मतलब या तो रिकवरी मोड में जाके या तो टूल से, तो जो हमारा जो फ़ोन है वो अकाउंट मांगता है, ओनर्स अकाउंट मांगता है, गूगल अकाउंट, जिससे हम बोलते हैं FRP लॉग। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों ये जो फ़ोन है हमारा फॉर्मेट हो चुका है, अब ये चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम FRP भी बाईपास करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा सा भगा सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप दोस्तों FRP बाईपास करने का जो ट्रिक है, जो शॉर्टकट ट्रिक है, आप उसे मिस कर जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेट करते हैं हम अपने, हमारा जो फ़ोन है वो पूरी तरह से रिसेट होने का, स्टार्ट होने का। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैंने वीवो Z1X के ऊपर वीडियो बनाया था पैटर्न अनलॉकिंग का, जो हमने MRT की मदद से किया था। तो दोस्तों उस वीडियो में हमें बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया और बोला कि सर भाई वीवो Z1 Pro का वीडियो बनाओ। तो दोस्तों फ़ोन तो उस समय अवेलेबल नहीं था दोस्तों, और अभी ये फ़ोन हमारे पास अवेलेबल हुआ है अनलॉकिंग के लिए। तो दोस्तों हम इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो, तो दोस्तों ज़रूर ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल मोबीटेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और बेल आइकन भी ऑन कर देना दोस्तों, कि जब भी मैं कोई नया ऐसा वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन, मतलब उस वीडियो के बारे में आपको मालूम पड़ जाए कि हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ़ोन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा चालू होने में। चालू होने के बाद दोस्तों हम इसका FRP बाईपास करेंगे। और दोस्तों जो FRP बाईपास करने का ट्रिक है ना दोस्तों, बहुत ही, मतलब आपको ना तो PC की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना तो किसी टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना तो कोई मेथड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मेथड है दोस्तों, एकदम ईजी मेथड है। मतलब इसमें जाओ, उसमें जाओ, फिर अदर ऑप्शंस में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इतना इजी मेथड है कि आप बोलोगे मज़ा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करना, स्किप मत करना प्लीज़ दोस्तों। हमारा जो फ़ोन है वो थोड़े ही समय में चालू हो जाएगा पूरी तरह से। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फ़ोन है दोस्तों, जो पूरी तरह से चालू हो चुका है, देख सकते हैं आप। और दोस्तों मैं एक बार आपको फ़ोन को सेटअप करके दिखा देता हूँ। जो हमारा जो फ़ोन है उसमें FRP लॉक लगा हुआ है, और सेटअप कैन नॉट सेटअप साइन इन फ़ोन दिखाता है। तो हम फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेटअप को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें स्किप कर देना है और कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, और यूज़ नाउ कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सेटअप फ़ोन अगेन आ गया, नॉट साइन इन हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप लोग देख लिया, यहाँ पे FRP लगा हुआ है हमारे फ़ोन में। आपको दोस्तों वाईफाई नहीं कनेक्ट करना, ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, वाईफाई नहीं कनेक्ट करना है, सेम जिस प्रकार से हम सेटअप को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस आएगा, तो आप यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको पैटर्न बना लेना है। ठीक है, कोई भी पैटर्न बना लेना है नॉर्मल सा फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप यहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी टू मी, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को और फिनिश कर दे। ठीक है, फिनिश करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बोल दूँ, पैटर्न ऐड करने के बाद, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लेना है। ठीक है, फिंगरप्रिंट सेटअप करने के बाद ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद दोस्तों हम ऊपर जो आपको स्किप की बटन दिख रही है, आप वहाँ से फिर से एक बार स्किप कर लीजिए। स्किप करने के बाद नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करने के बाद फिर से हम स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद यूज़ नाउ करेंगे। ठीक है, और फिर से सेटअप फ़ोन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से सेम ऑप्शन आ गया दोस्तों पैटर्न सेट करने के बाद भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब हमें इंडिया सेलेक्ट करने के बाद इस बार, मतलब इस बार, इसके पहले वाले में नहीं, इस बार हमें वाईफाई कनेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम हमारा जो वाईफाई है उसका पासवर्ड डाल लेते हैं फ़ोन में। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करना है हमें, फिर से नॉर्मल उसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। दोस्तों MIUI 11 का भी मैंने FRP बाईपास किया, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वाईफाई कनेक्ट करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, स्किप नहीं करना दोस्तों आपको, इस बार नेक्स्ट करना है, डोंट कॉपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और चेकिंग फॉर अपडेट्स, ये कुछ सेकंड्स तक ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमेगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन, तीनों चारों चीज़ आप ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पैटर्न मांगेगा दोस्तों, जो पैटर्न आपने सेट किया था वही पैटर्न आपको बना देना है फिंगरप्रिंट सेट करने का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें स्किप का ऑप्शन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे, फिर से स्किप पे क्लिक कर देंगे, और जो दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो पूरी तरह से अनलॉक हो गया, FRP बाईपास हो गया। दोस्तों शायद FRP का ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा हो।
लगा होगा तो आप जरूर कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो फ़ोन है अनलॉक हो गया, तो दोस्तों मिलता हूँ आपको दूसरे किसी नए वीडियो में नए फ़ोन के साथ और अदर टेक वीडियो के साथ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। और कुछ वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।